हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी शार्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास लेखपाल प्रैक्टिस सेट है, केंद्र सरकार की योजनाएं जितनी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है? इसमें चार ऑप्शन दिया है, तो चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है सही है, सितंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर दो, रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगी? किसे मिलेगी? कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता, ये सभी। तो ये जो है ऑप्शन जो है सभी सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, रफ्तार योजना की वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? जो है कि केंद्र और राज्य सरकार में भागीदारी कितनी की होती है? 60:40, 60 केंद्र का है, राज्य का 40 है। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? किस ग्रामीण पेयजल से रहा है? क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा है? रोजगार के अवसरों को सृजन करना। क्वेश्चन नंबर छः, भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है क्या है? बिजली, दूरसंचार, आवास, ये सभी। तो जो है ये सभी है, ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये है, तमिलनाडु से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य है? कौन सा कार्य है? तो ये है, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, और यह है ऑप्शन डी जो है सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य है? गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर दस, निम्न में से कौन सा गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के संबंध में असत्य है? कौन सा असत्य है? इस योजना की घोषणा बजट 2012-13 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? यह है तमिलनाडु से की गई है, और किसके जन्मदिन पर? यह है जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये है 2017 से। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामोद्योग से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016 से शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जो है 1998। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जो है 2016 से। क्वेश्चन नंबर 16, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है क्या है? तो यह है, किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस कराना।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? जो है इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का संबंध किससे है? जो कि किससे है, सौर ऊर्जा से है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? ऑप्शन डी सही है, प्रियदर्शनी योजना जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? केंद्र और राज्य सरकार में अनुपात क्या है, जो कि 75:25 का अनुपात है। 75 रुपये केंद्र देती है और 25 रुपये राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 21, कुटीर ज्योति योजना से संबंधित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, कुटीर ज्योति योजना जो है विद्युत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई है? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है, यह है 60:40 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 24, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? तो जो है नाम बदल कर यह है दीनदयाल उपाध्याय के नाम कर दिया गया है। कब किया गया था, जो कि 2014 में ही कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? स्वजल जो है धारा कार्यक्रम है, कब शुरुआत की गई है, 2002 में शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन सा उद्देश्य निहित थी? कब, जो कि है विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, जो है आपस में एक दूसरे को जोड़ना है। तो यह है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण क्षेत्र को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना होगा? जो है कि 70 लीटर उपलब्ध कराना होगा, जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई? तो है कौन सी योजना है, तो यह है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना है। क्वेश्चन नंबर 29, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह ऊर्जा से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन सी ऊर्जा आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है?
कितनी की राशि का, जो है 1,30,000 का। क्वेश्चन नंबर 31, सबके लिए आवास मिशन का प्रयोग, तो ये है सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना, तो उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त जो है सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन गोवर्धन योजना की प्रमुख उद्देश्य है? गोवर्धन योजना जो है किससे संबंधित है? गांव को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न कराना, तो सी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना, तो जो है ऑप्शन जो है डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत नेट योजना की प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों का ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? कितने? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया हुआ है, तो इसमें कितने हैं? तो ये है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 35, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? तीसरे चरण की अवधि जो है 2019-23 तक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है तो है, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। क्वेश्चन नंबर 37, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? अर्थव्यवस्था, बैंकिंग विकास, अवसंरचनात्मक मांग, तो है बैंकिंग विकास, ऑप्शन बी हो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसका तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? तो यह है पंचायत स्तर पर प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 2017 को। क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह है RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का? जो है यह 25 लाख राशि है। क्वेश्चन नंबर 43, SGSY का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर जयंती ग्राम सेवा योजना, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है स्वर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जो है वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 45, अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति
परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो कितना, तो यह 35 किलो। क्वेश्चन नंबर 46, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ये कब किया गया है? 2004 में। काम के बदले अनाज NREGP का पूर्ण रूप क्या है? जो है कि पूर्ण रूप क्या है, यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 48, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, कितने का अनुपात होता है? तो यह है 100:0 का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? जो ये है, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो जो है ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक अभियान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? तो कितने का अनुपात होता है? 60:40 का अनुपात होता है, 60 केंद्र का, 40 राज्य का। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह है कब की गई है, वर्ष 2009 में की गई। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से एक कौन सा उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना? ऑप्शन डी सही है, सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 53, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? कितने, तो यह है 5,000 से 1.5 लाख तक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से रूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का शुभारंभ किया गया था? कहाँ से ये है, ये हरियाणा से, पानीपत से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्षों की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोलने जाने का प्रावधान है? तो यह है 10 वर्ष से कम तक बालिकाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है, 18 से 70 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 58, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है? कितने, तो यह है 1,000 न्यूनतम है और 5,000 अधिकतम तक। क्वेश्चन नंबर 59, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, वंदे मातरम योजना। क्वेश्चन नंबर 60, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण भारत में कितने शौचालय का विलय है? तो कितने हैं, 120 मिलियन।
क्वेश्चन नंबर 61, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 2011 में प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? कितने करोड़ का? तो यह है 685 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 62, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि कब तक की गई है? कितने तक का दी गई है? तो यह है 2024 से 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 63, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जननी सुरक्षा की शुरुआत जो है 2005 में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि के 1400 रुपये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? जो शामिल होते हैं तो है 0 से 18 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 12 वर्ष। तो जो है ऑप्शन जो दिया है 0 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस पर ध्यान दिया जाता है? पोषण, यौन, प्रजनन, ये सभी किस पर ध्यान दिया जाता है? तो यह है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी आय अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य है? तो उद्देश्य है तो इसमें क्या है, परिवार नियोजन में सहायता करना, जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी, जो है कि 68 का जो है डी सही है। तो जो है सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 69, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई है? तो यह है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है? किस तारीख को? तो यह तारीख है 9 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? कुपोषण मुक्त भारत लक्ष्य 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? किसकी संयुक्त के? तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, सतत विकास लक्ष्य, डी, ऑप्शन डी सही है, ये सभी के सहयोग से है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितने रुपए की? तो 6000 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य कौन सा है? तो यह है वित्तीय सहायता देना, जो है 6000 रुपये वित्तीय सहायता मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75, सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जो है 10 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य है? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना,
भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो है डी सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई है? झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 78, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने का प्रावधान है? कितने लाख तक? तो यह है 5 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? कौन सी योजना संबंध है? तो यह है जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है? तो ये किससे है? वित्तीय सहायता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 81, सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? पोषण उपलब्ध कराना है बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को, स्तनपान कराने वाली को, उपरोक्त सभी। जो है ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सामुदायिक विकास योजना की प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो जो है ग्रामीणों का स्वर्गीय विकास, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो है डी सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2008 में किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो जो है किस मंत्रालय द्वारा की गई है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है विलय आयुष्मान भारत योजना में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्या भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग कराने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो जो है दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो जो कब करनी चाहिए? अर्धवार्षिक पर करनी चाहिए। तो ये है केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो है तमाम परीक्षाओं में पूछी जाएंगी।